नमस्कार मित्रों, आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कृषि संस्कृति एवं स्वतंत्र सर्च न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको आज जो प्रकृति है, कृषि है, भगवान है, ऐसे गूढ़ विषयों को सरलता से कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, उस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज तीन देवताओं का नाम लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हम सब लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को चित्रों के माध्यम से देखते हैं। सबके दिमाग में फिगर छप चुकी है कि शिव जी ऐसे हैं, ब्रह्मा जी ऐसे हैं और विष्णु भगवान ऐसे हैं। मित्रों, आज सभी लोग पूजा करते हैं भगवानों की, लेकिन हमारा जो जीवन का जो असली मकसद है, जो जीवन की मूल जरूरतें हैं, पृथ्वी बंजर होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है और पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति पर निर्भर है। और अगर हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद हमारे बच्चों को शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध ऑक्सीजन नसीब ना हो। फिर हमारी ये जो प्रतीक पूजाएं हैं देवताओं की, उनका अर्थ क्या रह जाएगा? तो आज मैं आपके सामने ये जो तीन विषय हैं, परमात्मा का विषय है, भगवान का विषय है, कृषि का विषय है, दर्शन और आध्यात्म का विषय, इन विषयों पर जरा बारीकी से नज़र डालेंगे। देखिए, हम सब मनुष्य हैं और इस धरती पर रहते हैं। हम मनुष्य हैं ये तो हमको पता है, और मैं इस धरती पर रहता हूँ ये भी पता है। अब इस धरती में है क्या? तो एक तो हमको ज़मीन दिखती है जहाँ मैं घर बनाता हूँ, खेती करता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, सड़क बनाता हूँ। उसके बाद इसी धरती पर बहुत सारे क्षेत्र में हमको जलाशय दिखते हैं, समुद्र हो, झीलें हों, जलाशय हों। फिर इस धरती पर हरे भरे जंगल दिखते हैं। तो ये जलाशय, ये जंगल और ये उर्वर धरती ही हमारे जीवन की खुशियों का आधार बनती है। ये सलामत रहे, अनंत काल तक जीवित रहे, इसके लिए मेरे पूर्वजों ने हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा के लिए प्रेरित किया था। अब ब्रह्मा की जब बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि ब्रह्मा जी का वास पेड़ों में होता है। तो ब्रह्मा जी का वास पेड़ों में होता है, वृक्षों में। विष्णु भगवान की जब बात करते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं कि क्षीर सागर में रहते हैं, यानी सुंदर, निर्मल, लबालब भरे जलाशयों में। महेश को हम भूमि कहते हैं। और दो दृष्टांत हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें पहले विष निकला, फिर समुद्र मंथन का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता था जब तक उस विष का निराकरण न कर लिया जाए। तो कहते हैं, जो कहानियां हैं, कि देवतागण शिव जी के पास गए और कहा कि प्रभु इस विष का कुछ इंतजाम करिए। तो हम सब लोग जानते हैं कि शिव जी ने संपूर्ण विष पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, यानी कि ये धरती एक ऐसी शिव का स्वरूप है जो हमारा सारा सबका जो विसर्जित मल मूत्र है, जितना भी विष हम समर्पित करते हैं, विसर्जित करते हैं, वो सब धरती हमारा विषपान कर लेती है और बदले में उसको अन्न देती है। तो ब्रह्मा जी का मतलब वृक्ष हैं,
विष्णु का मतलब जलाशय है, महेश का मतलब भूमि है। अब क्या होता है, अगर मैंने महेश की पूजा की यानी कि पृथ्वी की उर्वरता को, कृषि योग भूमि की उर्वरता को ठीक से समझा, जलाशय भूमि के ऊपर जलाशयों के निर्माण या जलाशयों की देखरेख की यानी जलाशय मेरे नष्ट न होने पाए, धरती के ऊपर खड़े वृक्षों को अगर मैंने ध्यान दिया तो आप देखिएगा कि वृक्ष मुझे ऑक्सीजन देते हैं दिन में 21,000 बार। एक व्यक्ति को दिन में 21,000 बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो हमको वृक्षों से मिलती है। शुद्ध पीने के पानी की जब भी बात आती है तो पानी हमको जलाशयों से मिलता है, बेशक जलाशयों में पानी वर्षा ऋतु में भरता है और वो पानी चाहे डायरेक्ट हम जलाशय से उपयोग करें या जलाशय का पानी जब सीपेज होकर के हमारे भूगर्भ जल स्तर में समा जाए तो कुएं से निकालूं या सबमर्सिबल से निकालूं, लेकिन पानी का जो स्रोत है वो जलाशय हैं और वहीं से मुझको शुद्ध पानी मिलता है। भूमि से हमको भोजन मिलता है, फल ले लें, सब्जियाँ ले लें, अनाज ले लें, कुछ भी ले लें, तो हम जमीन पर उगाते हैं और उसका मैं भोजन करता हूँ। तो मेरे जीवन से सीधा सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश का रिश्ता है। आध्यात्म की भाषा में कहेंगे, धर्म की भाषा में कहेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे, आम बोलचाल की भाषा में जब समझते हैं गांव देहाती की भाषा में तो हम उसको वृक्ष जलाशय भूमि कहते हैं, और जब साइंस की भाषा में जाते हैं तो उसको ठोस द्रव गैस कहते हैं। अब देखिए कि ऑक्सीजन पानी भोजन के बिना मेरा काम नहीं चल सकता, विज्ञान की भाषा में हम ठोस द्रव गैस यानी पदार्थ के तीन रूप हैं, ठोस द्रव गैस। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हमारे जिस भूभाग पर मैं रहता हूँ, जैसे भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष में जो हमारी जमीन है, कुल जमीन जो कुल भौगोलिक एरिया है, तो उसके 5% हिस्से में 5% भूभाग हमारा जलाशय होना चाहिए और हमारा 25% जो भूभाग है पेड़ों से ढका होना चाहिए और भूमि में हमारा 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। ये हमारा धर्म है कि हम इसको, जो हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का विधान बताया था तो उसका यही मतलब था कि हम धरती को हरे भरे वृक्षों से ढका रहे, ढक के रखें, हम जलाशयों को मेंटेन करके रखें और जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा इसकी बना के रखें। इकोसिस्टम में उर्वर जमीन, जलाशय और पेड़। इसके बाद जलाशय में हमारे जलचर रहते हैं, पेड़ों में, वृक्षों में हमारे नवचर रहते हैं और जमीन में हमारे थलचर रहते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी की बात है या अच्छे पर्यावरण की बात है या एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें 6 बिंदु अहम हैं, जमीन की उर्वरता और पर्याप्त जलाशय और हरे भरे जंगल, नभचर, जलचर और थलचर। अब मित्रों देखिए आप कि जब हम विज्ञान में आते हैं तो कहते हैं पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस, इस संसार में जितनी भी ठोस वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सीधे सीधे पृथ्वी ही है। हम पृथ्वी से लोहा निकालें, अल्मोनियम निकालें, सोना निकालें, चांदी निकालें, यानी ठोस चीज हमको जितनी भी दिखेगी वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट धरती का ही हिस्सा है। द्रव का मतलब पानी है और बेशक लोग कह सकते हैं कि पेट्रोल भी द्रव है और डीजल भी द्रव है, लेकिन वो भी धरती का ही हिस्सा है, धरती में ही रहता है। गैस, गैस माने हवा। तो ये जो ठोस, द्रव, गैस है इसको हम धरती, पानी, हवा कह लें, ऑक्सीजन कह लें, जल कह लें, भोजन कह लें, इनके, अब ठोस, द्रव, गैस का जब हम इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं
तो इसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। हम रासायनिक गुण चाहे धरती के ज्ञात करें या गैस के निकालें या किसी द्रव के निकालें, वो रसायन विज्ञान है। और इन्हीं ठोस द्रव गैस के जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुणों के अध्ययन को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इनकी जब स्थितियां, जो इनकी स्थितियां हैं कि ये धरती में पानी कितना है, धरती में पेड़ कितने हैं, धरती में कहाँ जलचर हैं, कहाँ थलचर हैं, कहाँ नभचर हैं, इस बात को हम भूगोल कहते हैं। पृथ्वी पर ये पानी की, पेड़ों की, नभचरों की, जलचरों की, थलचरों का जो एक इतिहास है या जो विषय है, उसको हम भूगोल के माध्यम से पढ़ते हैं। मित्रों, ये जब हमारी जमीन बंजर होती है, जलाशय नष्ट होते हैं, पेड़ नष्ट होते हैं, नभचर, जलचर, थलचर की कमी होती है, तो उसी से मनुष्य का इतिहास बनता और बिगड़ता है। अगर हम जिस इलाके में रहते हैं, जिस देश में, प्रदेश में, जिले में, गांव में, अगर वहाँ की जमीन उर्वर है, 25% एरिया में जंगल हैं, 5% एरिया में जलाशय हैं, जलाशयों में नाना प्रकार के जलचर हैं और पेड़ों में नाना प्रकार के नभचर हैं और जमीन में थलचर रहते हैं, तो फिर हमारा इतिहास बहुत सुंदर होता है। इतिहास सुंदर का मतलब है मेरा जीवन बड़ी आसानी से कटता है, मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट की कोई समस्या नहीं होती और मैं सुखी और स्वस्थ महसूस करता हूँ। अब ये जो नभचर, जलचर, थलचर है और ये पेड़ है, वृक्ष, वनस्पति जगत की जब अध्ययन की बात आती है तो उसको हम वनस्पति विज्ञान कह देते हैं, और जो जीव जगत की रचना की जब इनके अध्ययन की बात होती है तो हम जीव विज्ञान कह देते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो इतनी सी चीज़ों में सिमटा हुआ है। ये विषय कृषि क्षेत्र के लिए, विज्ञान क्षेत्र के लिए, दर्शन क्षेत्र के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। अब विज्ञान का जानकार अगर बंजर होती धरती को नहीं देख पा रहा, जंगलों की कटान को नहीं देख पा रहा, या नष्ट होते जलाशयों को नहीं देख पा रहा, तो कालांतर में उसका जो ज्ञान है, विज्ञान का जो नॉलेज है, उस नॉलेज का वो करेगा क्या? ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है, किसी मंदिर में, मस्जिद में, पूजा में, इबादत में, धर्म ग्रंथ पढ़ने में मशगूल है और वो देख रहा है कि धरती बंजर हो रही है, जलाशय सूख रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, अगर ये चीज़ उसको नहीं दिखाई देती तो वो तथाकथित जो हमारा वो चीज़ है ना, आध्यात्म का, दर्शन का, जो धर्म का पहलू है, वो पहलू हमारे आने वाली संतानों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है। कृषि की जहाँ तक बात है, तो जब हम कृषि की बात करते हैं तो किसान हमारे देश का बड़ा परेशान है। उसका कारण ये है कि प्रकृति में जो जंगल थे वो कम हो गए, धरती के ऊपर जो जलाशय थे वो लगभग समाप्त हो गए, भूमि की जो उर्वरता थी वो क्षीण हो गई। अब बीज वो जमीन में बोएगा और जमीन उसको पालेगी, और जल वायु, जिसको कहते हैं जल और वायु, देखिए आप, ये पानी जल है और ये ऑक्सीजन, जल और वायु और जमीन, यानी कि जमीन, जल और वायु, ये तीन चीज़ें जो है ना, ये मनुष्य के लिए, वनस्पतियों के लिए और प्रत्येक प्राणी के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। तो हम जो मनुष्य योनि के लोग हैं, जो उसको कहते हैं कि परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, और परमात्मा ने हमको धरती पर अवतरित करने का सुनहरा अवसर भी इसीलिए प्रदान किया था कि तुम सबसे ज्ञानी पुरुष हो, मतलब इस धरती पर ज्ञान के अवतार हो, तुम इस विषय को समझोगे कि जहाँ हम रहते हैं, हम धरती में रहते हैं, उसकी उर्वरता का ख्याल रखोगे, धरती के ऊपर 25% एरिया में जंगलों को सजा के रखोगे, धरती के 5% एरिया में जलाशयों को मेंटेन करके रखोगे, और इस बात का ध्यान रखोगे कि धरती के ऊपर नाना प्रकार के जो थलचर हैं वो नष्ट ना होने पाए, जलाशयों में जो जलचर रहते हैं वो नष्ट ना होने पाए,
और नभ में जो नभचर रहते हैं वो नष्ट ना होने पाए। अगर मैंने इतनी सी बात को समझ लिया तो मेरे जीवन में कोई आगे कठिनाई नहीं है। अगर इनमें से मैंने एक भी बात को अपने भुला दिया या इसको कंसिडर नहीं किया तो फिर हमारे दुखों का कोई निवारण भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।